हम आ चुके हैं बजाज डोमिनार 400 की हाटू पीक राइड के सेकंड पार्ट में। अभी हम हिमाचल के शिमला डिस्ट्रिक्ट में एंटर करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, नज़ारा बिल्कुल बदल चुका है और शायद यही वजह है कि पहाड़ हमें इतना अट्रैक्ट करता है और हम बार बार इस रूट पर वापस आना चाहते हैं। अगर आपने बजाज डोमिनार 400 की हाटू पीक राइड का पहला पार्ट देखा होगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह हम लोगों ने ट्रैफिक जैम्स का, डाइवर्जेंस का, केओस का और टूटी फूटी रोड्स का सामना किया और किस तरह हम लोगों ने सिंघू बॉर्डर क्रॉस करके अपना चंडीगढ़ तक का सफ़र पूरा किया। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो एक बार वापस जाकर आप वो पार्ट वन देख सकते हैं। पार्ट वन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर हमने जहाँ पर पार्ट वन ख़त्म किया था तो वहीं से शुरुआत करते हैं। हम चंडीगढ़ से निकल रहे हैं चैल के अपने सफ़र पर। प्लान ये है कि हम नेक्स्ट पेट्रोल पंप से रिफ्यूल करके परवानू होते हुए कालका शिमला हाईवे पे आगे बढ़ेंगे। तो हमने चंडीगढ़ से निकलकर फ्लाईओवर के नीचे से अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे छोड़ दिया है और वहाँ से हमने पंचकूला की तरफ राइट टर्न ले लिया है। मैं आशा करता हूं कि जिन एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज़ का मैंने नाम लिया है वो सही हैं। कोशिश यही है कि जिस रूट पे हम सफ़र कर रहे हैं उस रूट का आप लोगों को थोड़ा अंदाज़ा करा सकूं। अभी हम पंचकूला कालका हाईवे पे राइड कर रहे हैं। बाइक्स को रिफ्यूल कर लिया है और बस जल्दी से चैल पहुँचना है। सामने की तरफ ऑलरेडी हिमाचल के पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं और अब राइड करने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आ रहा है। थोड़ी सी एक्साइटमेंट बिल्ड हो चुकी है और आई थिंक जो आगे का सफ़र है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। ये पंचकूला कालका हाईवे पे कोई टोल है, हिमालयन एक्सप्रेसवे टोल। पीछे कुछ चांदी मंदिर करके भी था और शायद उसी के आसपास का एरिया है। और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है लेफ़्ट साइड में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ द एरिया, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम हिमाचल के शिमला डिस्ट्रिक्ट में एंटर करने वाले हैं। एक मिनट, ये कैमरे की अलाइनमेंट थोड़ा ठीक कर लूँ, सॉरी। तो मैं बोल रहा था कि जैसा कि आप देख सकते हैं नज़ारा बिल्कुल बदल चुका है। जैसे जैसे हम इस रूट पर आगे बढ़ रहे हैं हमारा राइडिंग एक्सपीरियंस और भी बेहतर होता चला जा रहा है। समझ में पहाड़ों के बीच राइड करने का अलग ही मज़ा है और शायद यही वजह है कि पहाड़ हमें इतना अट्रैक्ट करते हैं और हम बार बार इन रोड्स पर वापस आना चाहते हैं। शायद 2-4 मिनट में ही हम यहाँ से परवानू पहुँच जाएंगे। परवानू से याद आया कि यहाँ पर एक टिम्बर ट्रेल रिजॉर्ट है जो कि 1 or 2 nights स्टे के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। मैं कुछ साल पहले इस रिजॉर्ट में रहने आया था और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था। उनका अपना एक प्राइवेट केबल कार सिस्टम है और वो लोग इस हिल से आपको केबल कार के थ्रू दूसरे हिल पे ले जाते हैं और वहाँ पे स्टे का ऑप्शन देते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। खैर, अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं, अपने राइड पे फोकस करते हैं। और ये रास्ते में हमारे कुछ को राइडर्स हैं, सब लोग थोड़ा एक्साइटेड लग रहे हैं और नेचुरली भी है। आई थिंक सबका जेस्चर सेम ही रहता है। अभी फ़िलहाल थोड़ा स्पीड अप करते हैं और अपनी जर्नी पे फोकस करते हैं। अभी हम लोग सोलन पहुंच चुके हैं। ये एक छोटा सा एक क्विक स्टॉप था जस्ट टू मेक श्योर कि ग्रुप के सभी लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब बस यहाँ से दोबारा से निकलने की तैयारी है और अब हम यहाँ से चैल के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये सामने सोलन का चेक पोस्ट है और अभी हम ये चेक पोस्ट को क्रॉस कर रहे हैं। इस ट्रिप में एक चीज़ हमने नोटिस करी है कि पूरे रूट पे हमारे को कहीं भी नहीं रोका गया। इवन एक रूटीन जो चेक होता है वो भी कहीं नहीं हुआ और हम लोग हर तरीके की रिपोर्ट साथ में लेके चल रहे थे। जैसे कोविड रिपोर्ट हमें लगा था कोविड की वजह से हमें कई जगह पे रोका जाएगा, पर
सरप्राइजिंगली कोई कहीं हमें नहीं रोका गया, कोई चेक पॉइंट ऐसा नहीं था जहाँ पे किसी ने हमें रोका हो और ये पूछा हो कि आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे हैं और कोविड रिपोर्ट देखी हो या इस तरीके का कोई एक्सपीरियंस हुआ हो। तो मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर था कि अननेसेसरीली किसी को रोका नहीं जाएगा, जो कि मुझे समझ में आया है। अभी मैं बाकी ग्रुप राइडर से काफ़ी पीछे रह गया हूँ। इनफैक्ट जब मैंने कैमरे को देखा और मुझे उसका रिकॉर्डिंग इंडिकेटर दिखाई नहीं दे रहा था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे कैमरे का एंगल थोड़ा शायद चेंज हो गया है। फिर मैंने बाइक रोकी, हेलमेट उतारा, उसका एंगल थोड़ा एडजस्ट किया और अपनी राइड दोबारा से कंटिन्यू करी। हालांकि मुझे अभी भी वो इंडिकेटर नहीं दिख रहा है और इस दौरान मैं अपने बाकी को राइडर से काफ़ी पीछे रह गया हूँ। तो बस अब कोशिश यही है कि जल्दी से थोड़ा तेज़ चल के उन लोगों को चेस करके उनके नज़दीक पहुँच सकूँ, वरना अननेसेसरली वो लोग परेशान होंगे और वेट करेंगे मेरा। हालांकि ट्रैफिक की कंडीशन ऐसी लग नहीं रही है कि मैं बहुत तेज़ चल पाऊँगा, पर कोशिश करता रहता हूँ थोड़ा सा, आई थिंक थोड़ी देर चेस करने के बाद मैं उनको कवर कर लूँगा। और एक दो ओपन स्ट्रेचेज अगर जो मिल गए तो इजीली चेस करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ग्रुप है तो ग्रुप थोड़ा स्लो ही चलता है। मेरा अंदाज़ा सही था, थोड़ी सी आगे आके ग्रुप के सभी राइडर्स अब मुझे मिल गए हैं एंड मैं उनके बीच में ही ड्राइव कर रहा हूँ। और अब मेरा प्लान ये है कि मैं अपनी सेकंड पोजीशन मेंटेन करके रखूँगा। इनफैक्ट जो फर्स्ट पोजीशन है वो जो ग्रुप को लीड कर रहे हैं उनकी रहेगी और सेकंड पोजीशन पे मैं बना रहूँगा। तो यही प्लान है, इसी प्लान के हिसाब से अब बाकी की राइड मैं कंप्लीट करूँगा। और एक चीज़ मैं और रियलाइज़ कर रहा हूँ कि जिस चीज़ के लिए मैंने बाइक को रोका था, मुझे अभी भी उसका रिकॉर्ड का जो इंडिकेटर है कैमरे का वो नहीं दिख रहा है। तो शायद अभी भी हो सकता है मेरे कैमरे का एंगल थोड़ा लो ही है, बट कुछ एक विजिबिलिटी है थोड़ा थोड़ा मुझे कैमरा हेलमेट में से दिख रहा है। पर एक बार थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बीच में कहीं पे अगर जो हम लोग स्टॉप लेंगे तो वहाँ पे अपने कैमरे का एंगल ठीक करने की कोशिश करूँगा। एक ऑब्जर्वेशन और है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। हिमाचल के जो ये रोड्स हैं ये इतने अच्छे बना दिए गए हैं अभी कि बहुत चांसेस हैं कि हम लोग ओवर स्पीडिंग करने लगें। अपने मीटर में अपनी स्पीड को देख के ही उसको बार बार कंट्रोल करना पड़ता है। और दूसरा, इनफैक्ट अगर जो आपके जो आगे चल रहे हैं, आपको उनके पीछे चलना है, वो अगर जो अपनी स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं तो आपकी स्पीड भी कंट्रोल में रहती है, वरना अदरवाइज़ जो मुझे लग रहा है चांसेस ये रहते हैं कि आप ओवर स्पीडिंग कर जाएं, क्योंकि रोड्स बहुत अच्छे बने हुए हैं और कई कई बार सामने बहुत अच्छी विजिबिलिटी होती है, आपको दूर दूर तक दिख रहा होता है कि कोई नहीं आ रहा है। और बाइक्स पे कई बार इतना अंदाज़ा नहीं होता कि कब आप हिल्स के हिसाब से एक 80-90 की स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, कब आप उस स्पीड को टच कर जाएं। तो जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है, तो बेटर यही रहता है कि आप अपने एक बार स्पीड इंडिकेटर को देखते रहें, उसको कंट्रोल में रखें, और अगर जो कोई लीड कर रहा है जो कि अच्छा एक्सपीरियंस है जिसको, और वो अगर जो अपनी स्पीड को कंट्रोल में रख के चल रहे हैं तो फिर तो आपकी स्पीड भी कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि आप उनको उनके पीछे ही चल रहे हैं। इन रोड्स पर अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और बार बार ऐसा फील आ रहा है कि थोड़ा सा और तेज चल लूँ, थोड़ा सा और तेज चल लूँ। और टर्न्स कर्व्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, इस तरीके का एक्सपीरियंस इनफैक्ट दिल्ली में हम लोगों को नहीं मिल पाता है। तो हिल का ये जो एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा लग रहा है राइड करने में, और मन कर रहा है एक बार थोड़ा सा रैशिंग कर लें, स्पीडिंग कर लें, बट वी अंडरस्टैंड कि वो सही नहीं है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सोलन बस स्टैंड, और हालांकि वीडियो में अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है पर बहुत ही डेंस एरिया है पॉपुलेशन वाइज। अगर जो आप थोड़ा सा लेफ़्ट की साइड पे देखेंगे तो आपको जिस तरीके की कंस्ट्रक्शन दिखाई देगी उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हिल के इन एरियाज़ में भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, पॉपुलेशन काफ़ी एक्सप्लोडेड सी दिख रही है यहाँ पे। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे शायद
कुछ कुछ एरियाज को देख के ऐसा लग रहा है कि दिल्ली से भी ज़्यादा डेंस हैं वो एरियाज, तो देख के थोड़ा सा दुख होता है कि पॉपुलेशन क्यों ऐसे एरियाज में क्यों बढ़ती है। ऐसे एरियाज डिज़र्व करते हैं कि ये पीसफुल रहें, खाली रहें और बहुत ही नेचर के बहुत क्लोज रहें। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से रोड सब नैरो हो चुके हैं। इवन दो रोड की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है यहाँ पर भी, पर जैसे पहले अभी रोड्स बहुत वाइड थे, अब वो उतने वाइड नहीं है, और थोड़ा और केयरफुल होके स्पीड को थोड़ा कम करके यहाँ से आगे की राइड करनी पड़ेगी। ये हमारी चैल की राइड का फाइनल स्ट्रेच है और कुछ ही मिनटों में हम लोग अपने रिजॉर्ट पहुँच जाएंगे। हमें जिस रिज़ॉर्ट में जाना है उस रिज़ॉर्ट का नाम है माउंटेन व्यू रिज़ॉर्ट, और राइड करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। एक्साइटमेंट जो है वो बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हुई है, क्योंकि इन हिल्स पे बिल्कुल एक तो थकान नहीं हो रही है और वेदर भी बहुत अच्छा है, बहुत ही प्लेजेंट है यहाँ का। थोड़ी बहुत आप लोग देख रहे होंगे कि धूप निकली हुई है, फिर भी जो हम लोग फील कर रहे हैं, इवन तो हम लोगों ने जैकेट पहनी हुई है, तो हम लोगों को बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है और राइड करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। एक बार जल्दी से टाइम भी चेक कर लेते हैं, टाइम हो रहा है 4:15, तो हम लोग 4:20-4:30 तक अपने रिजॉर्ट के अंदर पहुंच जाएंगे। सो हमारे लीड राइडर ने राइट टर्न का इंडिकेशन दिया है, लग रहा है ये उसकी एंट्री आ चुकी है हमारे रिजॉर्ट की। एक बार सारे राइडर्स यहाँ पे इकट्ठे हो जाएं, फिर पूरे ग्रुप के साथ एक साथ ही हम लोग रिजॉर्ट में एंटर करेंगे। लास्ट टाइम बहुत अच्छा था। सभी राइडर्स आ चुके हैं और अब हम लोग अपने रिजॉर्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और एंट्री के लिए हम लोगों के लिए कुछ लोग ऑलरेडी वहाँ पे वेट कर रहे हैं, कुछ लोग पहले ही वहाँ पहुँच गए थे जो कि दिल्ली से नहीं आ रहे थे, तो वो लोग हमारा वहाँ पे ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, उन्हें पता है कि हम लोग आ चुके हैं। और अगर पता नहीं इस कैमरे में ये आइडिया हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट व्यू ट्रस्ट मी बहुत ही अमेजिंग है। लोकेशन देख के बहुत अच्छा फील आ रहा है, और बस अब उम्मीद यही है कि पूरा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहे। बस अब अपनी बाइक्स को पार्क करके अनवाइंड कर लेते हैं और फिर थोड़ा इस एरिया को एंजॉय करेंगे। हमारे पास इस लोकेशन को कवर करने के लिए आज शाम का और कल सुबह का काफ़ी टाइम होगा, तो उसको रिकॉर्ड करके एक सेपरेट पार्ट में मैं ज़रूर एक बार एक वीडियो बना के लॉन्च करूँगा। हावेवर अब इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है, और अगले पार्ट में हम लोग यहाँ से अपनी हाटू पीक की राइड कवर करेंगे। और अगर जो आप हाटू पीक की राइड देखना चाहते हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें।